सत श्री अकाल जी, तुसी देख रहे हो पंजाब बुलेटिन। मैं हाँ प्रभ सदूत ते शुरुआत कर लैने आ सुरखियां दे नाल। एसजीपीसी प्रधान हरजिंदर सिंह धामी ने लगाए वड्डे इल्जाम, कहा पंथ विरोधी जथेबंदियां करना चाहुंदियां ने एसजीपीसी ते कब्जा। जलंधर विखे अकाली सुधार लहर की प्रेस कॉन्फ्रेंस, बीबी जगीर कौर ने एसजीपीसी चोणां लई जारी किया मैनीफेस्टो। आम आदमी पार्टी के बुलारे मालविंदर सिंह कंग ने अकाली दल के साधे तिखे निशाने, कहा चोणां ना लड़न लई जथेदार नूं बनाया जा रहा टाल। मुड़ सियासत च सरगर्म होए कैप्टन अमरिंदर सिंह, अज खन्ना दी अनाज मंडी का किया दौरा। ते हुण इन्हां सरगर्मियां दा विस्थार। श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान हरजिंदर सिंह धामी का वड्डा बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि बागी धड़ा सिख कौम वंडियां पाउण दा काम कर रहा है, पंथ विरोधी जथेबंदियां एसजीपीसी ते कब्जा करना चाहुंदियां ने। अज एसजीपीसी प्रधान हरजिंदर सिंह धामी दे वल्लों एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने वड्डे इल्जाम लगाए ने। धामी ने इल्जाम लगाया कि संसदां दे वल्लों एसजीपीसी मैंबरां नूं फोन किए जा रहे ने अते पैसों का लालच भी दिता जा रहा है। उन्होंने कहा कि आरएसएस आप कांग्रेस अते भाजपा सारे एक हो गए ने अते सारे मिल के बागी धड़े नूं जिताउण दे लई एसजीपीसी मैंबरां नूं खरीदण दी कोशिश कर रहे ने। इस दे नाल ही उन्होंने कहा कि साढ़े मैंबरां नूं फोन कर गुमराह किया जा रहा है। मैं अज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करके तुहानूं दसना चाहुंदा कि किन्ने क अज सिख पंथ विरोधी किन्नियां क जथेबंदियां जिहड़ियां अज तरलो मच्छी होईआं आ, चाहे वह भाजपा होवे, चाहे वह आप वाले होण, ते चाहे वह कांग्रेस होवे, ते चाहे आरएसएस होवे। मेरे कोल पुख्ता सबूत, कई बार कहिंदे जी पुख्ता सबूत की आ तुहाडे कोल, पुख्ता सबूत जिहड़े बीजेपी दे नाल सांझा रख के बैठे आ, उह ही अज इस गल नूं इस मुहिम नूं तार पीडो करन लई बड़े काले आ कि ये इलैक्शन दे विच एक धड़े की स्पैसिफिक तौर पर मदद करो। वो धड़ा मैनू ना लैण की लोड़ नहीं, वो तुसी मेरे तो बेहतर जानते हो, क्योंकि श्रोमणी अकाली दल हमेशा ही डेमोक्रेटिक नॉर्म दे विच हमेशा ही एनुअल चोण दे विच अपना चोखा योगदान सारा पाउंदा रहा। अज मैं मैंबर साहबान मैनू टेलीफोन भी करते आ कि आप दा किहड़ा एमएलए जिहड़ा मेरे घर आके कह रहा भी जी वोट जिहड़ी आ ये श्रोमणी अकाली दल तो खिलाफ जिहड़े खड़े उन्होंने पाउणी आ। अज सवेरे मेरे को, मैं हुण नाम बाद च नशर करूँगा, एक जुम्मेवार साडे मैंबर आ बहुत सत्कारयोग आ, उहनूं वड्डी रकम देण दा जतन किया गया, तो मैं पुछदा ये कोई सरकारी प्रबंध आ, ये कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट आ, ये जे पैसे दे के कहड़ी कहड़ी गल तुसीं कहनी चाहुंदे, तुहाडा प्रबंध किवें चलूगा? जे तुसीं इहो ही काम फड़े तो फिर महानता जी का थोड़े कोई फर्क नहीं रहेगा। महंत भी एवें करते, जिहड़ा उत्थे आउंदा सी उहदी जेब गर्म कर दिंदे सी। ते मैं ये तां कह रहा कि कांग्रेस के एम पी तक वह भी अपना योगदान पा रहे, सीधे तौर के उत्ते कदे किसी नूं भेजदे, कदे किसी नूं भोज भेजदे आ। ते आ जिहड़ी मौजूदा भाजपा सरकार आ, भाजपा आ, देखो अज तक कदे नहीं होई, ये कहिंदे जी सबूत दिओ। मैं कहा सबूत तां तुहाडे विचे बैठे जिहड़े बीजेपी दे विच बैठे आ, उहो ही इस गल दी शादी भरदे आ कि दूसरा धड़ा जिहड़ा अकाली दल तों खिलाफ खड़ा उहदी इमदाद करो। दस दिए कि 28 अक्तूबर नूं होण जा रही एसजीपीसी चोणां दे लई अकाली दल ने हरजिंदर सिंह धामी नूं उम्मीदवार ऐलाने। उत्थे दूजे पासे अकाली दल सुधार लहर दे वल्लों बीबी जगीर कौर नूं मैदान दे विच उतारिया गया है। अज जलंधर विखे श्रोमणी अकाली दल सुधार लहर दे वल्लों प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। इस कॉन्फ्रेंस दे विच श्रोमणी कमेटी चोणां संबंधी चोण प्रक्रिया अते होर मुद्दयां ते विचार चर्चा की गई। अते नाल ही सुधार लहर की उम्मीदवार बीबी जगीर कौर ने श्रोमणी कमेटी चोण लई अपना मैनीफेस्टो भी जारी कर दिता है। एसजीपीसी चोणां लई अकाली दल सुधार लहर दे उम्मीदवार बीबी जगीर कौर दे वल्लों अज मैनीफेस्टो जारी किया गया। इस दौरान उन्होंने मीडिया दे नाल गलबात करदिआं सुखबीर सिंह बादल नूं लैके तिखे निशाने साधे। उन्होंने कहा कि श्री अकाल तख्त साहिब दे जथेदार दे वल्लों सुखबीर सिंह बादल नूं तनखाईआ करार दिता गया सी, पर उह इस तों बाद भी लगातार मीटिंगां कर रहे सन। अज मैनूं बड़ा दुख है कि उह श्री अकाल तख्त साहिब जिस दे उत्ते दुनिया दी हमेशा झाक रही है,
कि सिख कौम च कभी दुविधा पै जाए, कभी गुरमत का कान कित हो जाए, कितने कोई मर्यादा का नुकसान हो जाए, तो यह श्री अकाल तख्त सिरजिया इस करके सी कि कौम नूं संदेश आदेश ते उन्हां नूं उपदेश देना हुंदा, फिर कितने जाके सारी दुविधा खत्म होंगी है। पर दुख की गल यह है कि वह श्री अकाल तख्त साहिब जिस दियां विलखण बहुत वड्डियां मर्यादावां हन, विधि विधान जिहड़ा वह वक्खरा, सिद्धांत वक्खरा, तो उसनूं अज चैलेंज किया जा रहा है। मैं दुख है कि श्रोमणी अकाली दल के जेडे प्रधान सन उन्होंने जो अवज्ञा की संबंध में श्री अकाल तख्त साहब जी के पांच प्रधानी प्रणाली अनुसार पांच सिंह साहबाना ने फैसला लिया और उन्होंने जोड़ा उ फैसला दिता सी वो बड़े गंभीर दोष सन। सब तो पहला दोष सी कि प्रधान जोड़ा है उन्हें सिख पंथ का बहुत व्डा नुकसान किया, खालसा पंथ में बहुत व्डा कान होया। और सब तो वड्डी गल लास्ट कही कि श्रोमणी अकाली दल जो साड़ी सिरमौर संस्था है उसका तीला तीला कर दिता, एक प्रधान के उत्ते एडे दोष आन उसनों तनखाइया करा दिता गया। अफसोस तनखाइया होने तो बाद उसके आदेश को नहीं मनिया, सीधे आके अकाल तख्त मत्था टेकन लग पे जब तक नहीं सी जा सकते। चलो खैर वह भी गल् गई तनखाइया जड़ा हों खालसा पंथ के कभी मीटिंगा नहीं कर सकता। दुख की गल यह है कि अज जो श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी का कैंडिडेट ऐलानिया गया वो उस तनखाही राही ऐलानिया गया जिन्हों अज कौम वास्ते हदायत है कि वह मीटिंग भी नहीं कर सकते। वो हरजिंदर सिंह धामी रोज़ अपने मैंबरों उन्होंने मीटिंगा करा रहे, आप भी दोषी बने नाल मैंबरों भी दोषी बना रहे। दस दिए कि 28 अक्टूबर को होने जा रही SGPC चोन के लिए अकाली दल ने हरजिंदर सिंह धामी उम्मीदवार ऐलानिया। दूजे पासे अकाली दल सुधार लहर वालों बीबी जगीर कौर मैदान दे विच उतरे ने। बीते दिन अकाली दल ने जिमनी चोणां ना लड़न का फैसला किया सी, जिसनों लैके हुण आम आदमी पार्टी ने सवाल चुकने शुरू कर दिते ने। अज आम आदमी पार्टी के आनंदपुर साहब तो संसद मैंबर मालविंदर सिंह कंग वालों प्रैस कॉन्फ्रेंस की गई। कॉन्फ्रेंस के दौरान वह अकाली दल लैके सवाल चुकते दिखाई दते। आम आदमी पार्टी के बुलारे आनंदपुर साहब तो संसद मैंबर मालविंदर सिंह कंग ने अज प्रैस कॉन्फ्रेंस के दौरान अकाली दल ते तिखे निशाने साधे। उन्होंने कहा कि श्रोमणी अकाली दल ही बादल परिवार है, इसे उल्ट बादल परिवार ही श्रोमणी अकाली दल है। उन्होंने कहा कि अकाली दल दे वलो जिमनी चोणां ना लड़न दे लई जथेदार साहिब नूं ढाल बनाया जा रहा। उन्होंने अगे कहा कि जथेदार साहिब नूं इह स्पष्ट करन दे लई खुद अगे आना पिया कि चोणां लड़न दे लई अकाली दल दे प्रधान ते पाबंदी लगाई गई है, पूरे अकाली दल ते नहीं। अज पंजाब च चार जिहड़े बाई इलेक्शन होने जा रहे हैं, जिदे चों बठिंडा जिले की गिदड़बाहा भी है, उस बाई इलेक्शन तो भी भगौड़ा हो गया। यह बड़े अफसोस की गल है और ये पिछे कारण एको ही है। कारण सिर्फ और सिर्फ यह है कि अज श्रोमणी अकाली दल बादल परिवार है, बादल परिवार इज इक्वल टू श्रोमणी अकाली दल। और इस तो भी वड्डी जिहड़ी गल मैं तुहानू दसना चाहुंना, जदों इह लोक सत्ता सीगे, जदों सत्ता दे हंकार च सत्ता दे नशे च चूर सी, उदों सिख संस्थावां दे जथेदार साहिबानां नूं तलब करदे सी, सिखां दे घाण करन वालिआं नूं वड्डे वड्डे अहुदे ते वजीरियां दिंदे सी बादल के, पंजाब और पंथ के दोखियां नूं वड्डियां पदरियां दिंदे सी। अज जदों भगौड़े होए इलैक्शन तो ते ढाल किहनूं बना रहे आ? श्री गुरु हरगोबिंद साहिब महाराज जी दे बनाए अकाल तख्त साहब दे जथेदार नूं ढाल बना रहे आ। उही जथेदार साहिबान जिन्हां नूं इन्हां ने सत्ता दे नशे च सत्ता दे अहंकार च इस बादल टब्बर ने अपने घर तलब भी कीता सी, ते बेअदबी कराउण वालिआं नूं पंथ दोखियां नूं जिहड़ी जिस तरीके नाल उहनां नूं माफीनामे इहनां ने दवाए, उदों पंथक संस्थावां दी सब तो वड्डी ढा पंथक संस्थावां नूं इस बादल परिवार ने लाई सी।
अज जो भगौड़े हुए इलेक्शन चो तो ढाल किनू बना रहा श्री अकाल तख्त साहब के जथेदार और ये वेखो जथेदार साहब नू बाहर आना पिया सामने आना पिया मीडिया के मुखातिब होना पिया कि असी पाबंदी सत्कारयोग परम सत्कारयोग जथेदार श्री अकाल तख्त साहब नू कहना पिया मीडिया च आके असी पाबंदी सिर्फ और सिर्फ श्रोमणी अकाली दल बादल दे प्रधान तनखाइए सुखबीर बादल ते लाई आ अकाली दल ते कोई असी इलेक्शन लड़न दी पाबंदी नहीं लाई। दस दिए कि बीते दिन अकाली दल दी अंतरिम कमेटी दी मीटिंग हुई। इस मीटिंग दे विच अकाली दल ने सारियां जिमनी चोणां ना लड़न दा फैसला कीता है। पंजाब दे साबका मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह करीब 2.5 साल बाद मुड़ तो सियासत दे विच सरगर्म हुंदे दिखाई दे रहे हैं। अज उन्हां दे वल्लों खन्ना दी अनाज मंडी विच झोने दी खरीद अते लिफ्टिंग विच आ रहियां मुश्किलां दा जायजा लिया गया अते उन्हां वल्लों सूबा सरकार दी कारगुजारी ते सवाल भी चुके गए। पंजाब भर दियां मंडियां विच इक पासे जिथे झोने दी खरीद अते लिफ्टिंग दी रफ्तार मठी होण दे कारण अज पंजाब दियां किसान जथेबंदियां सड़कां जाम कर रहियां ने तां उत्थे ही दूजे पासे पंजाब दे साबका मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने आड़तियां ते किसानां तों जानकारी लैण दे लई मंडी दा दौरा कीता। खन्ना विच पहुंचे कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा कि उह किसानां मिल मालकां ते शैलर मालकां दीआं समस्यावां नूं केंद्र सरकार तक पहुंचाउणगे अते जो भी समस्यावां पैदा होणगीआं उन्हां नूं हल करन दी पूरी तरहां नाल कोशिश करनगे। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा कि उन्हां ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो मुलाकात का समा मंगया है। जाए दिल्ली अगर कोई अड़चन आउंदी है एफसीआई दे नाल या परचेस नाल या अपने कहन दे ओदे कहन ते नवी झोना लाया और हुण हुण इहदे ते जद जद किसानी नूं कोई औख आ रही है पिट्ठो ये पे तरीका है। आया उरे किसी मंडी गया भगवंत मान नहीं आए अज तक उरे खन्ना छड़ो किते भी पंजाब कोई एमएलए नहीं आ रहा की मंडी कोई मंडी नहीं मौजूदा सरकार दा कोई नुमाइंदा नहीं आ रहा और एग्रीकल्चर मिनिस्टर फूड मिनिस्टर कोई नहीं आ रहा ड्यूटी बन गई है जावे दिल्ली अगर कोई एफसीआई दे नाल प्रॉब्लम है एग्रीकल्चर मिनिस्टर नूं मिले प्राइम मिनिस्टर मिले होम मिनिस्टर नूं मिले उन्हां नाल गलबात करे कि अड़चना आ रही है मैं कहूंगा पर जिम्मेवारी मेरी है एज अ पंजाबी एज अ किसान जब वाजपेयी जी से प्रॉब्लम आई सी मैनू जरा कुछ मैं मांगदा सी दिंदा सी एक दिन भी कोई किसान अपने इतने ढेरी के कोल बैठा रहे अठ मैं कौन कह रहा अठ दिन मैं दाल मैं बैठा हाँ ढेरी जी आप देख लिया है। कैप्टन साहब की कंपैरिजन कर दे हो अपने टनोर दा की कंपैरिजन कर दे हो मौजूदा सरकार नाल जी ये मैं नहीं कर सकदा तुसीं भी अपने मंडियां दे विच जिहड़े आ सारी कार्यशैली देखी है मैं इन्ना कह सकदा तुहानूं कि जदों कोई पैसे दी घाट सी असीं जांदे सी फूड कॉपरेशन दे राही एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री दिंदी सी और असीं जा के दे दिंदे सी पैसे सारे नूं मिल जांदे सी जिथे चाहे अड़चन ये जिहड़े मॉइस्चर दा मसला सी ये बड़ा पुराना मसला पर हुण मॉइस्चर बहुत बढ़ गया है नवीं वरायटी दे नाल। अच्छा वरायटी क्यों दिती जब तुसीं टैसट ही करदे वरायटी नूं पहलां दो तीन बार तुहानूं टैसट करना पैंदा पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी नूं या जिथे भी टैसट करवाना चाहुंदे ने और फिर देखे कि जिहड़ी मॉइस्चर है उहदे विच खिलाफ मोर्चा तक खोल दिता गया है। अज इत्थे एक पासे पंजाब दे साबका मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह खन्ना दे अनाज मंडी दे विच पहुंचे तां उत्थे ही सूबा सरकार ने भी उन्हां नूं आड़े हथी लिया। उन्हां ने वित्त मंत्री हरपाल चीमा दे वलों कैप्टन अमरिंदर नूं तिखे सवाल कीते गए। तिखे निशाने साध्यां हरपाल चीमा ने कैप्टन दे इस दौरे नूं ड्रामेबाजी करार दिता है। पंजाब दे साबका मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह वलों अज खन्ना दी अनाज मंडी विच कीते दौरे नूं लैके पंजाब दे वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने सवाल चुके ने। मंत्री हरपाल चीमा ने कहा कि कैप्टन अमरिंदर सिंह मंडियां विच जाके कह रहे ने कि पंजाब सरकार ने मसले दा हल नहीं कीता
पर वो दो बार मुख्यमंत्री रहे ते हुण भाजपा दी सीनियर लीडरशिप दे विच आउंदे ने अते गृह मंत्री नाल मुलाकात भी करदे रहिंदे ने पर अज तक पंजाब दी गल नहीं कीती। अज साडे पंजाब दे साबका मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह जी मंडियां जाके लोकां नूं कह रहे ने कि पंजाब सरकार ने इस मसले दा हल नहीं कीता। मैं हैरान हां कि कैप्टन साहब पंजाब दे दो बार मुख्यमंत्री रहे ने और अजकल भारतीय जनता पार्टी की सीनियर लीडरशिप के आते हैं गे वह बार बार देश की होम मिनिस्टर देश के प्रधानमंत्री साहब न मिलते हैं गे पर अज तक उन्होंने कदे पंजाब के मसलों की गल नहीं की। लोग जानते हैं पंजाब जानता गा मुख्यमंत्री सबका मुख्यमंत्री साहब जानते हैं गे कि सारी समस्या जी केंद्र सरकार ने खड़ी की केंद्र सरकार ने समय सिर पंजाब के चावल नहीं चके केंद्र सरकार ने समय सिर पंजाब दे शैलर मालकां दी गल नहीं सुनी पंजाब दे आड़तियां दी गल नहीं सुनी पंजाब दे किसानां दी गल नहीं सुनी। ये सारे जानते ने गे कि भारतीय जनता पार्टी आज जिस विच कैप्टन साहब शामिल ने गे वो पंजाब नूं नफरत करदी आ पंजाब दे आड़तियां नूं नफरत करदी आ पंजाब दे किसानां नूं नफरत करदी आ पंजाब दे शैलर मालकां नूं नफरत करदी आ किसे भी समस्या दा हल नहीं करना चाहुंदे। कैप्टन साहब जानते ने गे कि किन्ने पैसे केंद्र सरकार ने भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पंजाब दे वख-वख डिपार्टमेंटां दे रोके हुए ने गे। दस दिए कि पंजाब विच झोने दी लिफ्टिंग विच आ रही समस्या नूं लैके विरोधियों वल्लों लगातार पंजाब सरकार नूं घेरिया जा रहा। हुण देखना होवेगा कि आने वाले समय दे विच सूबा सरकार इस मसले नूं किस तरह हल करदी है। संयुक्त किसान मोर्चे ने पंजाब विच झोने की सुस्त खरीद के विरोध में अज सड़कां जाम कीतियां। किसान जथेबंदियों का कहना है कि वार वार मंगां मन करन दे बावजूद झोने की खरीद के काम विच कोई सुधार नहीं होया। यह धरना सवेरे 11 बजे तो दोपहर 3 बजे तक जारी रहा। पंजाब विच झोने की लिफ्टिंग विच आ रही समस्या इस समय मुख मुद्दा बन चुकी है। मंडियों विच किसान पिछले किन्ने दिनों तो अपनी फसल विकन का इंतजार कर रहे हैं पर उन्हां दीआं समस्यावां उसे तरह बरकरार ने। अज संयुक्त किसान मोर्चा ने सूबा सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिता है। किसान आगुओं ने कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत मान ने किसानों तो 2 दिन का समा मंगया सी पर 6 दिन बीत जाने तो बाद भी प्रशासन वालों किसी तरह का कोई कदम नहीं चुकया गया जिस तो अक के हुण किसानों ने सड़कां जाम कीतियां ने। किसान आगुओं ने कहा कि साडा आम जनता नूं परेशान करन दा कोई मकसद नहीं है। सारे पंजाब दे विच 150 तो उपर जगह पर जाम लग चुकिया जोड़ा जाम का समा सी 11 बजे तो 3 बजे तक का समा सा जाम का पूरन शांतमय ढंग के नाल जड़िया सड़क मंडिया के नाल सड़क असी ब्लॉक कर दतिया ने क्योंकि किसान पिछले 25 दिन तो मंडिया के रुड़ रहा साडा झोना खेतों किर रहा वो असी मान साहब न समा दिता से उन्होंने सब तो समा 2 दिन का मंगया से पर अच 6 दिन हो गए साड़ी खरीद ज्यों दी त्यों आ उवें ही असीं रुड़ रहे हाँ उहदे लई सानूं अक के साडा जी नहीं सी करदा वी लोकां नूं खज्जल करिए लोकां नूं खराब करिए पर जा अक के सानूं इह जाम जिहड़े आ सारे पंजाब दे विच लाउणे पए आ। असीं सरकार नूं चेतावनी दिंदे हां वी फौरी तौर ते साडा जिहड़ा झोना चुक लिया जावे नहीं तां किसान सारे लोग छड्ड के सड़कां ते आ जाणगे। हुण मंडियां च लोग बैठे आपदी फसल करन दूसरा आड़ती दे शैदर वीरां नूं चेतावनी दिंदे हां असीं ਜਿਹੜਾ ਕੱਟ ਦੇ ਸਾਨੂੰ 200-300 ਰੁਪਈਆ ਕੱਟ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਜ ਆ ਜਾਣ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲਿਸਟਾਂ ਜਿਹੜਾ ਘੱਟ ਪੈਸੇ 'ਤੇ ਖਰੀਦਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲਿਸਟਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਗਲੀ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਅੱਜ 4 ਘੰਟੇ ਸੜਕਾਂ ਜਾਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਸੜਕਾਂ ਜਾਮ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਉਪ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਲਈ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਦਾ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਹੈ। ਅੱਜ ਚੱਬੇਵਾਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਰਣਜੀਤ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪੱਤਰ ਦਾਖਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਦਾ ਅੱਜ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ ਦਾਖਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜਤਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਆਪ ਦੇ ਬਾਗੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਦੀਪ ਬਾਠ ਨੇ ਬਰਨਾਲਾ ਤੋਂ ਅਤੇ ਚੱਬੇਵਾਲ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਰਣਜੀਤ ਕੁਮਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪੱਤਰ ਦਾਖਲ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਚੱਬੇਵਾਲ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨਾਲ
नामजदगी पत्र दाखिल करने दे लई प्रताप सिंह बाजवा पहुंचे ते इस मौके उन्हां कहा कि अकाली दल बादल वालों सुखदेव सिंह ढींडसा वालों अपने उम्मीदवार नहीं उतारे गए अते दिब्रूगढ़ जेल च बंद दलजीत कलसी वालों भी अपना नाम वापस ले लिया गया। हुण सानू इन्हां गल्लां नूं विचारन दी लोड़ है। मैं गल होर इत्थे बड़ी तुहानूं कहना चाहना, बड़ी इंट्रीगिंग गल कि अज अकाली दल जिहड़ा सुखबीर सिंह बादल दा उन्होंने कल का फैसला ले लिया, अं चारों सीटा नहीं लड़निया, ढींडसा साहब ने भी नहीं लड़निया, जिहड़ी पार्टी दिब्रूगढ़ च बैठी है उन्होंने भी कैंडीडेट अनाउंस करके वापस ले ले ने, कल्ले भाजपा के कैंडीडेट रहन दिते ने। इनू भी पंजाब वाले लोगों मैं बेनती करना चाहना, इनू भी गंभीरता ना विचारो कि बन की रहा, यह कौन कर रहा, जेडे मेन स्ट्रीम अकाली दल दियां पार्टीज ने उन्हां नूं अज किले बाहर कढ़िया, इह किहदी स्कीम है या किहदी चाल है ते पंजाब दी किसानी नूं रोल के 25 दिन हो गए ने ते अज कैप्टन अमरिंदर सिंह नूं खन्ने उतारना, इह समझ लो दोनों साजिशां इक पासे चल रही, इक पासे किसानी नूं रोल के अमरिंदर सिंह नूं उतारना, दूजे पासे जिन्हें भी अकाली दल भावे एक भावे बादल अकाली दल है भावे ढींडसा ते भावे दिब्रूगढ़ वालिया का उन्हां दे सारे कैंडीडेट विड्रॉ होने ते भाजपा वास्ते मैदान खाली छड्डना, यह पंजाबियों मैं बेनती करूंगा जिहड़ी है बहुत वड्डी साजिश घड़ी जा रही है पंजाब नूं इकोनॉमिकली मारन दी ते सियासी तौर ते मार के इनडायरेक्ट कब्जा करन दी, इहदे तों सानूं अज बचण दी लोड़ है ते चार इलैक्शनां जे असीं सियाणप नाल वोट पाईए इन्हां दोनों पार्टियां नूं नस्ते नबूद कर दीए ते मेरा ख्याल सही मैसेज इस सेंटर दी सरकार नूं भी तुहाडा पहुंच जाणा। दस दिए कि पंजाब विच 13 नवंबर नूं जिमनी चोणां होण जा रहीआं ने ते 23 नवंबर नूं इन्हां चोणां दे नतीजे सामणे आउणगे। बीते दिन पंजाब कांग्रेसी प्रधान अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग ने सुखबीर बादल अते जथेदार दे मसले नूं स्क्रिप्टड करार दिता सी, जिस नूं लैके हुण समरंजीत सिंह मान दी अकाली दल पार्टी दे गिदड़बाह तों उम्मीदवार सुखराज सिंह न्यामीवाला ने कांग्रेस नूं पंथक मसलियां विच दखल ना देण दी सलाह दित्ती है। पंजाब कांग्रेस प्रधान अते लुधियाणा तों संसद मैंबर राजा वड़िंग श्री अकाल तख्त साहिब दे जथेदार दे बारे दित्ते बयान दे कारण विवादां दे विच घिर गए। हालांकि उन्हां वल्लों बीते दिन इस मामले ते मुआफी मंग ली गई सी, पर अज सिमरनजीत सिंह मान दी अकाली दल पार्टी दे गिदड़बाह तों उम्मीदवार सुखराज सिंह न्यामीवाला ने कांग्रेस पार्टी नूं पंथक मसलियां विच दखल ना देण दी सलाह दित्ती है। उन्हां कहा कि राजा वड़िंग वल्लों दिता गया यह बयान जथेदार नूं ही नहीं सगों सारी अकाल तख्त नूं भी टारगेट करदा है। नैशनल लीडरशिप जिहड़ी कांग्रेस दी उहनूं कहना चाहुंदा कि सिखां दे इंटरनल मसलियां दे विच दखल अंदाजी ना दिया करे। अज श्रोमणी अकाली दल बादल नूं जां श्रोमणी अकाली दल दे प्रधान सुखबीर सिंह बादल तनखाइया करार होने ते जथेदार होना ने उन्हां दी चोण लड़न ते रोक लाई है। सो जिथे पूरा समुचा सिख पंथ जानदा जथेदार होना दे फैसलां नूं फैसले विचार अधीन पए है ते जिहदे च उन्हां ने इह भी कहा है कि आने वाले दिनों दे विच दिवाली तो बाद दी मीटिंग सद्दी जाऊगी क्योंकि ये सिखां दे इंटरनल फैसले आ जिहदे विच तनखाइए शब्द की जिहड़ी वरतों आ जां तनखाइया करार दिता जाणा ਉਹ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਿੱਕੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਜਥੇਦਾਰ ਦੀ ਪਦਵੀ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾ ਦੇਣੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਇਹ ਸਕ੍ਰਿਪਟਡ ਹੈ ਇਹ ਸੋਚੀ ਸਮਝੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੇ ਨਹੀਂ ਚੋਣ ਲੜਨੀ ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਪਰ ਜਥੇਦਾਰ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਤਨਖਾਹੀਆ ਕਰਾਰ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਫੈਸਲਿਆਂ 'ਚ ਬੈਠਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੋ ਮੈਂ ਸਮੁੱਚੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਕਲੋਂ ਵਿਹੂਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਚੋਣ ਲੜਦਾ ਨਹੀਂ ਲੜਦਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਆ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਨਮੁੱਖ ਖੜ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਅਰਦਾਸ ਕਦੇ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਅੱਜ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਿਆਨ ਜਥੇਦਾਰ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਨਾ ਸੋ ਸਿੱਧਾ ਸਿੱਧਾ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਨਾ ਸੋ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਕਿਸੇ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਜਗੀਰ ਨਹੀਂ ਆ
ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਸਾਫ ਸ਼ਬਦਾਂ ਚ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਇਹਨੂੰ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਮੁੱਦਾ ਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਆਪਾਂ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਨਹੀਂ ਉਹ ਲੜ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਆ, ਉਹ ਨਾ ਲੜਨ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਚੈਨਲ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਉਹੀ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਜੋ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਥੇਦਾਰ ਦੇ ਬਿਆਨ ਸਕ੍ਰਿਪਟਡ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹੀ, ਕੱਲ੍ਹ ਮੁੜ ਤੋਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਧੰਨਵਾਦ।